से निकल के आ रहे हैं. I mean, how was that? Like, how difficult was that? How much time did you take to prepare those things, especially this song? Actually, ये बैठने वाली पिक्चर नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा अपने पैर पे रहते हैं. So, can we stand and do this interview? मतलब जो भी हम लोग बैठे okay. मतलब ऐसा हम लोग को बहुत बुढ़ापे का फीलिंग हो रहा है ये लेकर. और खड़े तो लेकिन आप फिल्म में भी नहीं रहे हो लेकिन. हाँ फिल्म में तो आप खड़े हुए हो ही. खड़े नहीं उड़ रहे हमेशा. You are defining physics की. नहीं नहीं ग्रेविटी नहीं है. बट हाँ पाजी ले जाओ. थैंक यू पाजी. बेसिकली फिल्म में ये गाना जो है श्रद्धा कपूर का इंट्रोडक्शन गाना है जिसका नाम है इल्लीगल वेपन 2.0. जैस्मिन सैंडलेस ने गाया है उनका गाना है. उन्होंने ही गाया है इसमें और गैरी सांधू ने. तो एक्चुअली श्रद्धा से ये पूछा जाना चाहिए कि हाउ डिड शी ट्रेन फॉर दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन. बहुत अच्छा लग रहा है टू कम हियर एंड बहुत मज़ेदार लॉन्च हुआ हमारा बाहर. सो दैट फेल्ट रियली रियली गुड. And it's always good to be back in Delhi because it's my second home. And actually, ये गाना हम दोनों का battle है. तो पहला battle है फिल्म में. And बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं. और in real life we're very good friends. तो I think कि on the big screen वो थोड़ा टशन जो उसका opportunity मिला तो मज़ा आया उसमें. And we hope that you really like it. Yeah. एक्चुअली श्रद्धा ने इतना इतनी खूबसूरती से नाचा है तो एक्चुअली एक और फूल है जो मैं उनके देना चाहता हूँ. Can you hear it for श्रद्धा कपूर प्लीज. Hey guys, so this song was actually a super hit even before we heard it. When you guys got to know ki bhai ye gana and we get to dance on it and the first time you heard the street dancer wala version, how was that reaction? It was like फर्स्ट डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि इतना सुपर हिट गाना ऑलरेडी है तो उसी में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है क्योंकि जो विजुअल्स है उसको मैच करना ही पड़ेगा. तो उम्मीद है कि हमने वो उस लेवल तक हमने कोशिश तो की है. एंड डेफिनेटली हमारे कोरियोग्राफर्स कृति एंड राहुल उन्होंने जो सेट किया है तो वी होप कि दैट दे आर वेरी हैप्पी एंड उनको अच्छा लगा हमने कैसे किया. And we hope that all of you also like it. मैंने तो genuinely जब film offer हुई थी मुझे तो रेमो डिसूजा और भूषण कुमार जो producer है वो लोग जब आए थे तो उन्होंने मुझे चार गाने सुनाए थे. उनमें से एक ये था तो मैंने बोला था यार ये गाना तो मैं किसी और हीरो या हीरोइन को नहीं दे सकता. ये मुझे ही चाहिए बिकॉज आई रियली लाइक जैस्मिन सैंडलेस की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है और गैरी सांधू की आवाज़ भी. एंड बहुत ही अच्छे सिचुएशन में ये गाना आता है. बट बिसाइड्स दैट ये गाने में बहुत सारे नए बच्चे भी हैं हमारे साथ. विनय खंडेलवाल एक लड़का है जो दिल्ली का है. उन्होंने बहुत रियलिटी शोज में पार्ट टेक किया है. तो वैसे ही बहुत सारे लड़के लड़कियां भारत के अलग अलग जगहों से भिन्न भिन्न जगहों से छोटे छोटे शहरों से एंड दे आर मेकिंग दैट डेब्यू इन दिस. वर्तिका है जो डांस प्लस में थी. देयर इज सलमान हुज कम बैक इन दिस. धर्मेश राघव सुशांत पुनीत को सब लोग जानते हैं. दे हाउस होल्ड नेम्स. बट बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने डेब्यू किया है फिल्म में लाइक नोरा हैस एंड ऑब्वियसली दस प्रभु देवा जिनके बिना ये फिल्म इनकम्प्लीट है. ऑलराइट सो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई वाज या सो वील ओपन द रूम फॉर मीडिया टू आस्क ऑल द क्वेश्चंस. Hi Varun. Hi. So congratulations on this film and this song as well. So I want to ask you, what is your plan to both of you? What is your plan for the next decade that we have entered? And you both have established your identities in Bollywood. And secondly, my question is to you, Varun. There's a lot of reports online that you have signed Shashank Khetan's next with Bhumi and Janvi. Can you share something about that film as well? So, you spoke about the next decade. I think the next decade is going to be very important for me and her. We've had one decade. और जैसे कि ये डांस फ्रेंचाइजी का जो जॉनर है बेसिकली डांस जॉनर स्टार्टेड विद ABCD 1 ABCD 2 में श्रद्धा और मैं आए एंड स्ट्रीट डांसर 3D इज नाउ टेकिंग इट अहेड. ये फिल्म 3D में रिलीज होगी एंड होपफुली एक 4DX रिलीज भी होगी इसकी.
So when you watch this film in 3D, jo technology aur cinema ka mishran hota hai, then you can get a cinematic enjoyment you can get by watching a film like Street Dancer 3D. So I think looking forward into the future, I'm looking at doing more content oriented films, more films that are VFX driven, also which push the boundaries of normal cinema viewing. And as far as working with Shashank, yes, I am working with Shashank, but the rest of the casting main nahi announce kar sakta, wo I'll let Karan Johar sir do that. Hi Varun, hi Shraddha, Amit this side from ABP News. Varun, Shraddha, आप दोनों से सवाल कि जब कोरियोग्राफर डायरेक्टर होते हैं तो उनको अपने डांस से खुश करना बहुत मुश्किल होता है, तो रेमो ने आपको 10 में से कितने नंबर दिए दोनों को, डांट कितनी बार पड़ी अगर पड़ी तो, सही सही बताइएगा। हम तो चाहेंगे 10 में से 10, पर उन्होंने कितने दिए वो पता नहीं अभी तक हमें पता नहीं है कि उन्होंने कितने मार्क्स दिए हमें। आई थिंक कि हम उम्मीद करेंगे कि 10/10 मिले। आप श्रद्धा से ये पूछो कि उन्होंने ये गाने के लिए रिहर्सल कितने दिनों के लिए या महीनों के लिए की। बिल्कुल, कितने की और नखरे कितने दिखाए, क्योंकि गाने में भी नखरों का जिक्र है, तो वो वरुण आप बता सकते हैं कि नखरे उन्होंने कितने दिखाए। एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगी कि आपने मैं दोनों क्वेश्चन को साथ में आंसर करना चाहूंगी कि 2020 का रेजोल्यूशन क्या है और आपका सवाल। मेरा ये रेजोल्यूशन है कि नेक्स्ट टाइम मैं विश करूंगी कि एक अगर डांस फिल्म मुझे ऑफर हुए तो वो थोड़ा जल्दी ऑफर हुए, लास्ट मिनट नहीं ऑफर हुए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म एंड थ्रू ऑल द सॉन्ग्स आई वाज लेफ्ट विथ टू स्प्रेन्ड एंकल्स, इंजर्ड शिन, माय शोल्डर्स हैड गॉन एंड माय नेक हैड कंप्लीटली गॉन। वी हैड अ फिजियो ऑन सेट एवरी सिंगल डे। सो माय रेजोल्यूशन इज दैट आई विश दैट देयर इज नो अर्जेंट सिचुएशन अगेन व्हेन अ डांस फिल्म इज ऑफर्ड टू मी, एंड थोड़ा अगर हेड्स अप मिले तो बॉडी को भी थोड़े आराम से अगर रिहर्सल करने को मिलेगा, सो दैट वुड बी गुड। इट वॉज वेरी बहुत चैलेंजिंग था टू प्रिपेयर फॉर दिस फिल्म, क्योंकि उतना जो रिहर्सल का टाइम लास्ट मिनट हुआ, बट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन नॉनदलेस। आई थिंक नखरों की बात की तो आई टेल यू कि ये गाने में इनका जो टीम है इसका नाम है रूल ब्रेकर्स, और ये लोग किसी और जगह से, किसी और स्ट्रीट से, और मेरे टीम का नाम स्ट्रीट डांसर है, और इनके टीम में अलग लोग हैं, मेरे टीम में अलग लोग हैं। तो जो एक्चुअली ये जब गाना शूट करे तो एक्चुअल की झगड़ा हो रही थी, मेरी टीम इधर साइड पे खड़े होके मेरे को धर्मेश और राघव बोल रहे थे, अरे यार इनको इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स क्यों मिले, हम लोगों को क्यों नहीं मिले। एक्चुअली अरे यार हमारा अलग रोल है, हम लोग को मतलब एटीट्यूड दिखाना है इस गाने में, हम लोग को ज़्यादा बचपना नहीं दिखाना है। और बार बार ये लोग स्टेप करके, हम लोग मतलब है भी नहीं फ्रेम में, हम लोग ऐसे They were teasing us and all. और श्रद्धा भी पता नहीं क्या हो गया था उसको, मेरे को ऐसे बोला अरे। फिर एंडिंग में हम लोग ने भी ठसन दिया, बट ओवरऑल आई थिंक पिक्चर के लिए बहुत अच्छा है, एंड शी प्रीटी मच किक्स माय एस इन द सॉन्ग, आई थिंक जैसे कि दिख रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक नाउ आप सभी डिसाइड कर लो ये बात। शी इज वेरी गुड इन द फिल्म श्रद्धा, शी डांस रियली रियली वेल। हाय वरुण, रेखा फ्रॉम एबीपी न्यूज। मेरा सवाल ये है कि जब मुकाबला सॉन्ग आया था 99 में, तो करीब आप 12-13 साल के रहे होंगे, और इस गाने ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। जब आपको पहली बार पता चला कि आपको इस गाने पर डांस करना है, तो फिर आपका रिएक्शन क्या था, कितनी प्रिपरेशन किया आपने इसके लिए? आई थिंक ये देश का हर एक बच्चा वो चाहे कहीं भी पैदा हुआ, किसी भी लैंग्वेज में बात करता होगा, बट हर एक बच्चा जब मुकाबला रिलीज हुआ था, दे ऑल वर लाइक ये क्या है यार, ये आदमी क्या है, ये थोड़ी ना होता है बॉडी का मूवमेंट, मतलब इट वॉज फिनोमिनल, मतलब व्हाट प्रभुदेवा इज टू डांसिंग टू दिस कंट्री, आई थिंक किसी ने नहीं किया है, इतना रेवोल्यूशन लाया है। आई थिंक जब मुकाबला आया था, आई थिंक एवरीवन वाज लाइक हाउ कैन समवन मूव लाइक पानी की तरह वो मूव करते हैं, तो आई थिंक कि सब बच्चों ने आई थिंक मिरर के सामने तो 100% ये उनका डांस प्रैक्टिस किया होगा। आई वाज डेफिनेटली आल्सो वन ऑफ देम। यू नो हम लोग ये स्टेप कर लेते हैं, बट आप जब प्रभु सर को देखेंगे ना मुकाबला स्टेप करते हुए, हम लोग सब एनर्जी डाल रहे गाने में, अगर आप गाना देखेंगे ना तो प्रभु सर बहुत ईजी है, ही इज जस्ट डूइंग दिस, वो पहले तो ऐसे ही खड़े हैं और खाली ऐसे, और हम लोग सब और प्रभु सर मेरे को देखे इजी यार, व्हाई कूल कूल, नो व्हाई व्हाई सो मच, ओके यस।
रेमो डज टू मच मेरे को हमेशा वो ऐसे, बट उन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे, श्रद्धा को. ये सेकेंड टाइम हम लोग काम कर रहे हैं और प्रभु सर के साथ हमारी एक ट्यूनिंग हो गई है. श्रद्धा ने उनको मुकाबला गाने में 36 टेक्स कराए हैं एक स्टेप के लिए. इट वॉज एटलीस्ट 36 नहीं बहुत टेक्स थे, 36 पता नहीं. पर मैं बता दूं कि मेरा बहुत छोटा पार्ट है उसमें, लेकिन अगर आप प्रभु सर के साथ डांस कर रहे हो तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट. तो मुझे नहीं लगा कि वो ठीक से हो रहा था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज और कर सकते हैं कि नहीं. और फाइनली और सच्ची में प्रभु देवा थक गए थे एंड तक, बोला है हाउ यू वांट टू डू. नहीं पर प्रभु सर बहुत स्वीट थे, क्योंकि उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हम दोबारा कर सकते कि नहीं, तो उन्होंने बोला, उन्होंने एक्चुअली ये बोला कि श्रद्धा जितनी बारी आपको करना है हम करेंगे जब तक आपको नहीं लगता कि ठीक हो. और मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं लगता कि वो ठीक है. ठीक वो पहला टेक ही था, वही यूज हुआ है. हेलो हाय सर. हाय हेलो कौन? हाय सर दिस इज प्रिया. ये गाना सुना है किसी ने? हेलो कौन? अरे हम हैं, बहुत सही गाना है. हाय सर दिस इज प्रिया फ्रॉम लाइव न्यूज इंडिया टुडे. हाय हाय सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इससे पहले आप दोनों जो मूवी में आए हैं उसमें आप दोनों एक ही टीम में थे, अभी आप डिफरेंट टीम्स में हैं, तो आप लोगों को कितना मतलब स्ट्रगल आप लोगों को लगा कि एक दूसरे से, बिकॉज आप दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मूवी में वो चीज लाने के लिए आपको कितना डिफिकल्ट हुआ? थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि सडनली इनको ऐसे मतलब कंपटीशन के नजरिए से देखने हुए थोड़ा सा वो लगा कि बिल्कुल वैसे ही लगा कि अरे यार पहले तो हम सेम टीम में थे, अभी एक दूसरे के खिलाफ हो गए सडनली कैसे. तो आई थिंक कि पर जब वो यूज्ड टू हो गए तो थोड़ा बहुत मजा भी आने लगा. यू नो जेन्युइनली ये फिल्म ना एक फैमिली की तरह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. इस फिल्म में धर्मेश, राघव, पुनीत, सुशांत, सलमान, प्रभुदेवा, ये सब जो है हमारे साथ, हम लोग सब एक फैमिली है. तो जब भी हम लोग सब साथ में सीन करते हैं, और ऐसे बहुत सीन है फिल्म में, ऐसा लगता ही नहीं था कि शूटिंग हो रही थी, बस मस्ती हो रही थी वहाँ पे. सब मतलब इधर उधर से कुछ ना कुछ कर रहे, और बिकॉज दे आर डांसर्स ना, उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो लोग एक्चुअली डांसर्स है, हम लोग एक्टर्स है, हम लोग को डांसिंग की एक्टिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि डांसर्स के बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होते हैं. वो लोग बिल्कुल स्टिफ नहीं होते, बिल्कुल पोजी नहीं होते, एंड मो की दे आर मोर स्ट्रीट हिप हॉप, पॉपिंग, लॉकिंग, बहुत अलग स्टाइल से है. सो जो इमोशन होती थी वाइल शूटिंग, जेन्यूनली एक परिवार की तरह होता था. आई थिंक कि ABCD2 को आप सब ने इतना प्यार दिया, स्पेशली दिल्ली में बहुत प्यार मिला ये फिल्म को. फिल्म मुंबई में बेस्ड थी, पर फिर भी दिल्ली की पब्लिक ने इतना प्यार दिया. ये फिल्म पंजाबी कल्चर पे बहुत हेविली बेस्ड है, कहीं ना कहीं UK में बेस्ड है, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. जो टॉपिक भी है फिल्म का बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी झलक ट्रेलर में दिखाई देती है, बट हम लोग ज़्यादा उसके बारे में बोलना नहीं चाहते हैं. लेट दैट बी अ सरप्राइज फॉर यू गाइस. वरुण, श्रद्धा, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Yeah, my question is for Varun and Shraddha, both of you. If we talk about your looks, Varun, we know that you got the inspiration from that Instagram sensation. Yeah, Danish. And if you can give us the more details, how did you get into the skin of the character? And Shraddha, same thing for you. आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर है प्रीटी मच बहुत लोग जो आज की यूथ है, बहुत सारे जो यंग जनरेशन है जिनको ऑब्वियसली हम सब अपने फ़ोन से ऑब्सेस्ड है, मतलब हम देख सकते कितने लोग फ़ोन पे, बट मेरे को बस सक्सेस चाहिए लाइफ में. आई वॉन्ट टू सक्सीड, मुझे जीतना है हर मतलब विद आई कैन गो टू एनी लेंथ टू विन. इसको हराने के लिए मैं किसी भी लेंथ तक जाता हूँ, जेन्युइनली जिंदगी में जीतने के लिए मैं किसी भी लेंथ तक जा सकता हूँ. कभी कभी गलत रास्ता भी अपनाता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है उस वक्त सही क्या है गलत क्या है. मुझे लगता है कि मुझे जीतना है, तो मतलब बाकी लोग नहीं कर रहे तो मैं तो कर लूंगा, यू नो. सो बेसिकली माय कैरेक्टर इज लाइक दैट, समवॉट लाइक दैट, बट अच्छे शेड भी है उसमें. एक डायलॉग है मेरे कैरेक्टर का जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो मैं बोलता हूँ कि चाहे तेरे लब पे वाहे गुरु का नाम आवे या ना आवे, लेकिन वो लम्हा भी इबादत दा होता है जब तू किसी और के काम आवे. There's a lot of heart in this film also, in Sahaj's character, but थोड़ा काफी naughty है, थोड़ा नहीं बहुत naughty है. Varun, hi. Shraddha, you also. Yeah. It was actually काफी
चैलेंजिंग था मेरे लिए क्योंकि इनायत जो है वो इन रियल लाइफ आई थिंक दैट आई एम एज यू हर्ड जो अरुण ने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट किया प्रभु सर से कि एक और बार कर सकते कि नहीं तो आई ऑलवेज फील लाइक कि इट कैन कीप गेटिंग बेटर यू नो द एनी थिंग एंड आई ऑलवेज लाइक आस्किंग फॉर वन मोर टेक बट इनायत जो है वो इसकी ऑपोजिट है इनायत एज अ कैरेक्टर एज अ पर्सन शी इज वेरी वेरी लाइक उसको शी इज सो श्योर ऑफ हर सेल्फ कि वो अगर कुछ गलत भी कर दे डांसिंग में शी थिंक्स शी इज द बेस्ट तो आई थिंक दैट टू गेट दैट एंड शी इज समवेयर हैज अ लिटिल बिट ऑफ दैट यू नो दैट आई एम द बेस्ट डांसर काइंड ऑफ अ थिंग विच I really don't. I'll keep asking Remo sir, is this fine? Is this okay? So it was very, very interesting. Bahut interesting tha to play that character and have that kind of a sense because I've not done anything like that before. And yes, and she's very, very, bahut aggressive hai. Aur apne team ke saath bahut, she's very obsessed and very possessive about her team. So team spirit usme hai, bahut sara. And that was very, very fun to play. वरुण और लास्ट टू क्वेश्चंस प्लीज वरुण हाय आपकी एबीसीडी 2 में भी आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी इस मूवी में वो जो उस मूवी के डांस स्टेप्स थे वो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा या बहुत एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा इसमें बिकॉज ये बैटल फॉर्मेट है एबीसीडी 2 में खाली ग्रुप फॉर्मेट में था कि एक ग्रुप परफॉर्म करता है फिर दूसरा ग्रुप परफॉर्म करता है इसमें क्या होगा कि सपोज ये स्टेज है एक ग्रुप वहां पे खड़ा है एक ग्रुप यहाँ पे खड़ा है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फेस ऑफ एंड अ बैटल जो अंडरग्राउंड में होता है सो बैटल्स वैसे है एंड सेकेंडली ये सिर्फ एक डांस फिल्म नहीं है ये एक बहुत बड़े मुद्दे पे है यूके में बेस्ड है दो टीम जैसे कि श्रद्धा ने कहा एक इंडियन है एक पाकिस्तानी है बट इवेंचुअली देयर पीपल स्टेइंग ओवर देयर बहुत यंग है तो उनके जो झगड़े भी होते हैं बहुत यंग लोगों के झगड़े होते हैं जैसे क्रिकेट को देखते हुए जिस तरीके से झगड़े होते हैं कभी कभी मतलब कोहली ने बहुत अच्छी तरह खेल दिया मैच में तो मैं गा के इनको चिढ़ाता हूँ कि बुरा ना मानो कोहली है बुरा ना मानो कोहली है सो ये सारे भी मस्ती मजाक वाले कॉमेडी वाले सीन्स भी है बट इवेंचुअली ये फिल्म में हार्ट है जैसे आपने एबीसीडी 2 में भी देखा था कि क्लाइमैक्स में एक बहुत ही इमोशनल हार्ट आ जाता है सेम वे इसमें भी है इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म मतलब बच्चों के लिए फैमिली के लिए और मैंने बहुत वक्त से एक्चुअली फैमिलियों के लिए फिल्म नहीं की है इन्होंने किया है छिछोरे शेरदान बट आई हैवन डन फॉर अ वाइल मैं थोड़ा सीरियस फिल्म्स कर रहा था सो आई वांटेड टू डू अ फिल्म फॉर किड्स मेरी अभी भी हाल ही में नीस हुई है सो आई वांट टू डू अ फिल्म मैं फिल्म ऐसी करना चाहता था कि सारे बच्चे बुजुर्ग टीनेजर सब आके देख सकते हैं साथ में अलग अलग बैठने की जरूरत नहीं है साथ में देख लो इरफान तहजीब टीवी से वरुण मेरा सवाल आपसे है आपने जुड़वा 2 में सलमान खान को काफ़ी फॉलोअप किया है तो क्या एक्सपीरियंस रहा और कितनी मेहनत करनी पड़ी मेहनत तो बहुत करनी पड़ी यार आई मीन देयर इज नो अदर सुपरस्टार मेगा स्टार लाइक सलमान भाई हमारे देश में और आई थिंक सारे यंगस्टर्स बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं बट जैसे हर फिल्म में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं एंड यू हैव टू ट्राई एंड मेक दैट रोल योर सेल्फ आप अपना कुछ डाल देते हो रोल में सेम वे जैसे इसमें एक यूके लड़के का पंजाबी कैरेक्टर का मैं किरदार निभा रहा हूँ बट इसके अंदर भी मैं अपना थोड़ा डाल ही देता हूँ क्योंकि आई थिंक फिर वो कैरेक्टर वरना मुझे फेक लगता है अगर फुल अलग लगे ना मेरी थोड़ी परछाई तो होनी चाहिए कैरेक्टर में उसका दिल में थोड़ा सा मेरा दिल भी होना चाहिए Hi Shraddha, hi Varun. This is Bhalinder Singh from Insta Feed. Illegal Weapon 2.0 ने एक चीज तो साबित कर दी है कि जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी इस फिल्म में वो कंप्लीट हो गई एक पंजाबी सॉन्ग की कमी महसूस की जा रही थी वो कंप्लीट हो गई तो ये हम समझे कि बॉलीवुड में पंजाबी सॉन्ग अगर फिल्म में नहीं हो तो फिल्म अधूरी है क्योंकि आइकॉनिक सॉन्ग मुकाबला तो आपने हिट कर ही दिया है जी बिल्कुल सही गल की है आपने पंजाबी सॉन्ग जो होते हैं पंजाबी म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं सिंगर्स जो होते हैं मैजिक होता है मैजिक होता है कुछ वो अपने और हम दोनों पंजाबी है तो वो एक कल्चर में ही एक वो एक चीज है मिठास है तो डेफिनेटली जैसे जैस्मिन और गैरी ने इसमें गाया है हमारे पिक्चर में और भी गाने हैं सिप सिप भी है जैस्मिन का एक और पंजाबी गाना है नच्ची नच्ची जो सचिन जिगर ने कंपोज किया है
एंड इस फिल्म में तो बहुत मतलब पंजाबियों को लेके बहुत सारी हमेशा पार्टियों में तो पंजाबी गाने ही मतलब सब लोग डांस फ्लो में तब आते हैं जब कोई हिट पंजाबी गाना प्ले होता है तो सबको मजा तब आता है तब सबके हाथ वाथ एकदम मतलब मस्त मजे में तो आई थिंक कि हमें भी वेयर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हमारे बट एक्चुअली एक बहुत कूल पॉइंट ये है कि जो हमारे डायरेक्टर है ये फिल्म के रेमो डिसूजा वो एक क्रिश्चियन है जो एक्टर्स है पंजाबी है जो अदर एक्टर्स है गुजराती है महाराष्ट्रन है मुस्लिम है सिख है पारसी है मतलब हर जगह से हमारे देश के हर कल्चर से हर रिलीजन से लोग हैं इस फिल्म में अगर आप देखो सो इट्स ट्रूली एन इंडियन फिल्म आप देखोगे ना हर जगह से हर कोने से लोग हैं इस फिल्म में ऑलराइट वरुण यू हैड अ स्पेशल सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस टुडे व्हिच इज स्पेशली हैपनिंग इन दिल्ली फॉर ऑल ऑफ अस सो कैन वी प्लीज हैव अ लुक एट द सरप्राइज ये स्पेशली आप लोगों के लिए हो रहा है जितने लोग इधर ऑडिटोरियम में है तो पहले मैं चाहता हूँ कि जितने भी 3D ग्लासेस है वो सबको प्लीज दिए जाए अगर आप सबके पास है प्लीज हमको भी दे दो हम लोग को भी मजा लेने दो सबके पास है 3D सवाल बन गया है अगली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सो